नमस्ते एंड वेलकम बैक टू ETC विद द सेठी फैमिली। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ। ये और ये जगह जो है ये बहुत ही प्यारी जगह है, हमारे दिल के पास है। हमने ये एक्सपीरियंस किया हमारे मनाली ट्रिप पे और हमने सोचा क्यों नहीं हम आपको लेके जाएं इस ब्यूटीफुल जर्नी पे ताकि आप लोग भी ये इन्जॉय कर सकें। तो चलो हमारे साथ, आज हम जाने वाले हैं हमता गाँव और सेथन गाँव, जहाँ से हमारी ये जर्नी शुरू होने वाली है। हमता जा रहे हैं आज। हमता जाने के लिए एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है विद योर गाड़ी की RC एंड योर ड्राइविंग लाइसेंस, तो वही जमा करने जा रहा हूँ। ये जो अंडरटेकिंग का फॉर्म है ये AD हाइड्रो पावर के जब गेट पे पहुंचेंगे तो वहीं पास में शॉप है, 10 रुपीज में यू कैन इजिली गेट दिस फॉर्म फ्रॉम देयर। इस रास्ते पे बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है इन्होंने। जैसे आपने देखा कर्व नंबर 1 का बोर्ड गया, वैसे ही आपको कर्व नंबर 33 जब आएगा उसके बाद आपको दिखेगा एक बोर्ड जो है कालजंग ढाबे का, तो आपने उस कालजंग ढाबे के बोर्ड के पास अपनी कार लगानी है और यहाँ से हमारा एक्सपीरियंस शुरू होगा, जो कि मैं आपको अब डिटेल में बताने वाला हूँ। नमस्कार, वेलकम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग सब। मेरा नाम है राहुल और वेलकम टू द ETC विद द सेठी फैमिली। आज मैं आपको लेके आया हूँ एक बहुत ही सुंदर गांव में जिसका नाम है हमता और ये मनाली से कुछ 17 किलोमीटर दूर पड़ता है। मैंने एक्सपीरियंस के बारे में बहुत सुना था, मेरी एक दोस्त है उनसे, जब मैंने इसके बारे में सुना तो मेरे को सुनने में ही ऐसा लगा कि हाँ यार ये चीज़ करनी बनती है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको एक्सपीरियंस किया जाए। दिस विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस इफ यू कमिंग टू मनाली। वी हैव कम टू हमता और हमता से थोड़ा सा ऊपर आके एक कालजंग ढाबा आता है। अभी मैं कालजंग ढाबा पे खड़ा हूँ और आओ आपको मिलाता हूँ यहाँ के लोगों से जो एक कालजंग ढाबा चलाते हैं। जैसे ही आप कालजंग ढाबा पहुंचोगे तो आपको अंकल और आंटी मिलते हैं। अंकल आंटी बहुत टाइम से यहाँ पे रहते हैं और ये बहुत प्यारा सा कालजंग ढाबा चलाया जाता है यहाँ। ये फेमस ढाबा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो भी सेलिब्रिटीज आते हैं दे कम हेयर एंड हैव मील एट देयर प्लेस एंड एवरीबडी लव्स इट। इट्स बिकॉज ऑफ द व्यू, इट्स बिकॉज ऑफ देयर प्रिपरेशन और जिस तरीके से खाना बनाते हैं, जिस तरीके से प्यार से खिलाते हैं, उस वजह से बहुत लोग इधर आना पसंद करते हैं। अंकल आंटी कितने साल हो गए आपको ये? तो बेटा हमारा तो बचपन जन्म ही यही थी। अच्छा, जन्म जन्म ही जो घर है ना हमारा, यही पैदा हुआ हम लोग। अच्छा, ये माँ बाप तो दूर से आए ना, यही पैदा हुआ है, उसके बाद फिर हमने ढाबा ढूबा चलाते हैं, यही है। आप लोगों का बहुत अच्छा लगा मुझे ये जो आपने पूरा बना रखा है, इसकी इसकी फील जो है ना, इसके जो माहौल बनाया हुआ है वो बहुत अच्छा है। सिटी लाइफ में हम लोगों को ये सब चीजें मिलती ही नहीं है, यहाँ पे आके रिलैक्स कर सकता है और थोड़ा ऐसा नहीं जी साफ सुथरा जो प्रदूषण नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल, अंकल का खुद का घर नीचे है लेकिन वो जाते नहीं है, वो रहते यहीं हैं और यहीं से अपना आराम से बैठ के खाना वाना बनाते हैं। इनके बहू बेटे ऊपर आते हैं रोज, एवरी डे दे कम एंड यू नो दे आर विद देम टिल द इवनिंग, देन दे लीव नीचे क्योंकि उनके बच्चे स्कूल भूल जाते हैं। जो बहू है किसांग वो हमें लेके जाएंगे एक हाइकिंग एक्सपीरियंस पे और एक रिवर साइड पे हम जाके पिकनिक करने वाले हैं और एक वाटरफॉल जाने वाले हैं, तो मिस मत करिएगा, लेट्स टेक यू देयर एंड चलो चलते हैं। बेसिकली इनका ढाबा यहाँ पे बहुत फेमस है और जो फेमस लोग आते हैं इधर, सेलिब्रिटीज आते हैं, वो ज़रूर इनके ढाबे पे आके खाना खाते हैं, तो बहुत ही अच्छा ढाबा है। यू कैन टेक फर्स्ट ब्रेक हियर, चाय कॉफी पी के यू कैन कंटिन्यू। सो हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं सिमर और आज मेरे साथ हैं किसांग दीदी और भैया। जैसे कि राहुल ने आपको अभी बताया कि कालजंग ढाबा पे दीदी और भैया भी हैं, तो मैं अभी आप दीदी से बात करूंगी कि दीदी एक्चुअली यहाँ पे क्या करते हैं। कि बहू हूँ और ये मेरे हस्बैंड हैं और मैं यहाँ पे आके सुबह जैसे आते हैं हम लोग यहाँ पे खाना वगैरह बनाते हैं, फिर उसके बाद अगर कोई घूमने वाले होंगे उनको आगे ले जाते हैं छिका ट्रैक पे, जहाँ पे सुबह 11 से 4 बजे तक, मतलब वो फुल टाइम स्पेंड करने के लिए उनको टाइम दिया जाता है 11 से 4। और ये उन पर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम स्पेंड करते हो, कोई ज्यादा तेज चल रहा है, कोई कम टाइम पे हो जाता है उनको, तो उस तरीके से हम उसको करते हैं। सो अभी हम जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। दीदी ने अपनी पिकनिक बास्केट भी बना ली है जो कि काफी एक्साइटिंग सी चीजें मुझे उसमें लग रही हैं। मैंने थोड़ा सा यू नो ऐसे झांक के देखा था। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, ये इन्होंने यहाँ से कुछ भी प्लास्टिक वी आर नॉट कैरिंग, सो दैट यू नो अगर आप जा भी रहे हैं पहाड़ों पर, पहाड़ आप गंदे ना करें। कभी भी आप छुट्टियों पर भी आ रहे हैं तो प्लास्टिक पहाड़ों पर मत ले जाएं, अगर ले जा भी रहे हैं तो अपने बैग में ही वापस लेके आए और उसको आके डस्टबिन में डालें। तो चलें दीदी, चलो चलो जी। सो वी हैड टेकन अ फर्स्ट ब्रेक एट कालजंग ढाबा और अब हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर हमें ऊपर जाना है और वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करके फिर हम वहाँ से अपना ट्रैक शुरू करेंगे।
आइए चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं और लेके चलते हैं आपको भी। सो द राइड फ्रॉम कालजंग ढाबा टू द स्टार्टिंग पॉइंट इज अ बिट बम्पी, बट विश्वास करो मेरा कि जब आप उस हाइकिंग पे जाओगे और जो व्यूज आपको दिखेंगे और जो जगह फाइनल पहुंचोगे, आपको ये बम्पी राइड याद भी नहीं रहेगी। सो वैसे किसान दीदी, ये जो हाइकिंग है ये किसी प्राइवेट रिजॉर्ट के लिए करती हैं, बट जब हमने उनसे बात करी तो उन्होंने बोला बिल्कुल अगर पहले से बुकिंग होगी एंड इफ़ शी इज़ अवेलेबल शी विल डेफिनेटली बी हैप्पी टू टेक मोर पीपल टू चीका फॉल्स एंड मेक देम एंजॉय दिस लवली हाइक। तो दीदी अब मैं बताने वाली हूँ इस जगह के बारे में। ये है पांडुरोपा लेक। कहते जब हिमालय में पांडव लोगों को वनवास के लिए भेजा गया था तो उन्होंने जो है पूरे हिमालय में जहाँ उनको शाम हो जाती थी वहाँ पर या तो ये टेंपल्स बनाते थे या फिर मतलब ब्रिज का काम करते थे या फिर ऐसे खेती वगैरह करते थे। जहाँ इनको सुबह हो जाती थी वो चीज़ें मतलब छोड़ के चले जाते थे वो। अच्छा, ये है मतलब चावल की खेती है जो इसके बीच के अंदर जो है ना पानी के बीच में जो है जो गायों ने खा के मतलब इसको खत्म कर दिया जो ग्रीन उस जमाने के मतलब जैसे। अच्छा, ये उस टाइम का ही लगा हुआ है। टाइम के लगा हुआ है ये। और इसी के अपोजिट में उपले साइड वो है भृगु लेक। नाम सुना हुआ है। हाँ, बस वहाँ पर उसके अपोजिट में भी वहाँ पर उन्होंने आलू की खेती की हुई है वहाँ पे। तो आओ हम आपको अर्जुन गुफा भी दिखाते हैं। चलिए जी। ये है जंगली लिंगड़ी। इसकी मतलब अचार बहुत टेस्टी बनता है और सब्जी तो बहुत ही मस्त वाला मतलब। अच्छा? जिससे हाँ कभी खा के देखना, ट्राई करना इसको। और मतलब बिल्कुल ऑर्गेनिक है ना ये चीजें। और इसको हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे आजकल उठा के इसको कटिंग करके फिर इसको सुखा के रखते हैं। फिर विंटर में इसको फिर से दोबारा से पानी में बॉयल करके फिर से दोबारा फ्रेश बन जाता है। अच्छा, फिर दोबारा विंटर में इसकी सब्जी फ्रेश खाते हैं। सो बेसिकली दीदी ने क्या बताया हमको कि इसको अर्जुन गुफा बोलते हैं। और कोई भी मुसाफिर जब जा रहे होते थे, जब ये रोड्स नहीं होती थी, तो यहाँ के गांव वालों ने ये गेट लगा के इसको एक रूम सा बना दिया ताकि अगर उनको रेस्ट करना है, और जंगली जानवर यहाँ पे भालू भी होता है, यहाँ पे और भी जानवर हैं, तो अटैक ना करे, तो इसलिए गेट लगाया हुआ है कि उसने रेस्ट करना है 2-3 घंटे तो वो आराम से सो सकता है। तो कितनी सुंदर जगह है। और ये इतना ठंडा है ना बाहर से और ज्यादा ठंडा है अंदर। ये बनाया नहीं हुआ है, दिस इज अ नेचुरल केव काइंड ऑफ थिंग। बस इन्होंने दरवाजे लगाए हैं तो वो एक रूम सा बन गया है। सो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रैक के पहुंचने तक आप ये अर्जुन गुफा और एक बहुत ही सुंदर डैम आता है उसको देख सकते हैं। और केसांग दीदी आपको पूरे रास्ते सारी चीज़ें समझाती भी जाती हैं ताकि आपको जो जो चीज़ें देख रहे हैं उसकी हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बता सकें। तो शी इज़ अ वेरी नाइस होस्ट एंड अ वेरी नाइस गाइड टू दिस लवली लोकल प्लेस फ्रॉम वेयर शी बिलोंग्स। सो गाइस, अबाउट 4-5 किलोमीटर्स और आगे कालजंग ढाबा से हम आ चुके हैं और ये 0 पॉइंट है, यहाँ से आगे रोड नहीं है। सो यहाँ पे उतर के वी स्टार्ट आवर ट्रैक। आर यू रेडी? लेट्स गो। जो व्यूज है ना इस ट्रैक पे वो इतने ब्यूटीफुल हैं कि मतलब आपको लगेगा कि इट वाज वर्थ कमिंग हियर। ये डैम के पास ही 2 रिवर्स मिलती हैं तो ये उसका व्यू है। और पूरे ट्रैक पे रिवर आपके साथ साथ होती है तो द साउंड ऑफ वाटर फ्लोइंग, यू नो द ट्रेल्स, छोटे छोटे वाटरफॉल्स जो हैं चीका वाटरफॉल पहुंचने तक इतने सुंदर हैं कि आपको लगेगा कि यार दिस वाज वर्थ टेकिंग दिस ट्रेल। तो गाइस, अभी अभी किसान जी ने बताया कि सनी देओल जब भी मनाली आते हैं तो वो यहाँ आके नहाते हैं इस पॉइंट पे और इनके ढाबे पे खाना खाते हैं और फिर वापस जाते हैं। सो गाइस, वी ट्रैवल विद अ 5-year-old डॉटर एंड किसांग दीदी एंड अस वर एबल टू मैनेज हर। जब भी हमें लगता था कि शी नीडेड अ ब्रेक, किसांग दीदी वाज वेरी अकोमोडेटिंग एंड वो रुक जाती थी एंड वी रेस्टेड एंड आराम से चलते चलते वी कुड मेक दिस हैपन फॉर हर एज वेल। और यहाँ पे छोटी सी टपरी है गाइस, यहाँ पे आके आप चाय कॉफी या मैगी खा सकते हो। और प्लेन सा एरिया है और बहुत ही सुंदर। यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे आके आप रुक सकते हैं। जस्ट जैसे ही आप रिवर क्रॉस करके ऊपर चढ़ेंगे, सो यू विल हैव दिस ब्यूटीफुल पॉइंट
विच इज ऑल लुकिंग द माउंटेन और पानी की आवाज आ रही है और पीछे इट्स एन ओपन प्लेस और अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पे मैगी मिल जाएगा। हाँ, मैगी मिल जाएगा, जूस वूस मिल जाएगा, यू कैन ओनली इजीली हैव। So now comes the best part about this trekking. किसांग दीदी अपने साथ लेके आए थे घर से बना हुआ खाना। She was carrying a mini gas जिस पे उन्होंने हमें खाना गरम करके खिलाया। This is not to be missed, guys. मनाली आ रही हो, एक दिन रखना और दीदी के साथ जरूर आना। तो यहाँ पे नदी के किनारे पे बैठ के हमने खाया गर्मा गर्म सिड्डू जो कि घर का बना हुआ था और बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। क्या इसके अंदर फीलिंग? अखरोट की। हम इसको गर्म गर्म खाएंगे ना। ओ वाह। Ready and I cannot wait to eat all of this. Thank you Didi, thank you so much. Didi mujhe wapas nahi aana. Kaisa lag raha hai? Achha lag raha hai. Sidhu kaisa? Ab kaisa best Sidhu hai? Haan? Isme na pasand nahi aa raha tha Sidhu waise. Hamare yahan ka bhi to famous hai. Haan. Guys inka Sidhu jo hai na dhabe ka bahut zyada famous hai. So Simar ko pehli baar pasand aa gaya hai. So, हम तकरीबन 15 दिनों के लिए हिमाचल में थे एंड दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट डे दैट वी स्पेंट इन हिमाचल। बहुत ही क्लोज थे नेचर के और वी वर अवे फ्रॉम द दिल्ली हीट, दैट इज द बेस्ट पार्ट। एंड द फूड दैट वी हैड देयर वॉज जस्ट अमेजिंग, बेस्ट सिड्डू दैट आई हैड इन मनाली एंड एवरीथिंग वॉज सो गुड। अमेजिंग। सो रिदा इन्जॉयड अ लॉट रिवर साइड पे और उसको बहुत मज़ा आया वहाँ पे पैर रख के बैठने में एंड शी हैड अ लॉट ऑफ फन देयर। और ये छोटी सी स्नैक ब्रेक के बाद हम निकले अपनी मेन डेस्टिनेशन जो कि थी चीका वाटरफॉल के लिए। एंड ये पूरा एक्सपीरियंस जो था ना रिवर साइड पे खाना, इट वॉज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज इफ़ यू वॉन्ट टू बी क्लोज टू नेचर एंड एन्जॉय ऑल दिस, प्लीज कीप वन डे साइड इन मनाली फॉर ऑल ऑफ दिस। It is just, you know, the feeling I think can't be expressed in words. You need to come here to see this place, to experience this. I have no words. तो जस्ट आफ्टर द प्लेस जहाँ पे हमने स्नैक्स खाए थे उससे 5 से 7 मिनट की वॉक ऊपर करके ये एक वाटरफॉल आता है जो कि ब्यूटी है इस पूरे ट्रैक की। द फाइनल पॉइंट इज दिस, यू कैन गेट हेयर, यू कैन एंजॉय विद योर फैमिली, सिट हेयर एंड एंजॉय द वाटरफॉल। दिस इज अ मच बिगर वाटरफॉल फ्रॉम द चीका वाटरफॉल जो थोड़ा सा ऊपर है जो कि हम तक ट्रैक पे आता है। एंड दिस इज एन अनएक्सप्लोर्ड हाइकिंग एक्सपीरियंस विच जनरली इज नॉट डन बाय पीपल अराउंड। So Simar decided to go in the waterfall. पीछे पूरा गीला हो गया। अभी बन रही है हमारे लिए चाय। हम लोग वापस आ गए थे और अब पीने वाले हैं हम लोग चाय। सो हम लोग आ गए थे वापस और मुझे लगी हुई थी थोड़ी सी भूख और मैंने दीदी से पूछा कि क्या खाने में है और दीदी ने राजमा चावल और कड़ी की प्लेट मेरे लिए लाके रखती है और इसमें बहुत ही अच्छा सा देसी घी का फ्लेवर आ रहा है। बट अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं दे ऑल्सो डू अ थाली
which you can book when you coming here and I think it's a must. आपको जरूर आप उसको book करें, जिसकी prices बहुत ही nominal है, but वो आपको experience करना I think जरूर चाहिए, बिकॉज हम लोग तो इतना ज्यादा खा के आ गए थे और आके भी हमने थोड़ा थोड़ा छुटपुट छुटपुट करके खा लिया, बट यू डू बुक दैट थाली एंड एंजॉय. हाउ इज इट रिदा? ओए होए होए होए. तो किसान दीदी के साथ बस बैठ के हम खाना खा रहे हैं अभी और फिर यहाँ से निकलेंगे मनाली के लिए वापस, जो कि हम चाहते नहीं है बट ठीक है. तो जब भी आप मनाली की तरफ जा रहे हैं केसांग दीदी को फोन करिए, डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर है, और एंजॉय करिए ये हाइकिंग एक्सपीरियंस. देखो नजारा है आपका एवरीवन, जिंदगी एक मेरी सोखोवा है, पूरी है पूरी, मैं पूरी तरह